अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 4.5 और हम क्वेश्चन नंबर 1 से अपना स्टार्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, यूज़ द रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द फर्स्ट पॉलीनोमियल इज डिवाइडेड बाय द सेकंड पॉलीनोमियल। सो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 एंड एक्स प्लस 1। ये हमारे पास फर्स्ट पॉलीनोमियल है, ये सेकंड पॉलीनोमियल है। सो अब हमने लेट कर लेते हैं, ये जो हमारे पास पहली वैल्यू है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। अब हम एक्स प्लस 1 है हमारे पास, इसे 0 से इक्वल लेट कर लेते हैं हम, टेथ योर साइड पे ज़्यादा तो एक्स इक्वल टू माइनस 1 आ जा रहा है। तो यहाँ पे हमने एक्स की वैल्यू पुट करनी है, हम ये तो नहीं डाल सकते ना एक्स पे 1, क्योंकि हमारे पास ये एक्स की वैल्यू नहीं है, ये हमारे पास एक्स साथ एक कॉन्स्टेंट लिखा हुआ है। इसे हम 0 से इक्वल दे लें तब हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब हम माइनस 1 पुट कर देते हैं एक्स जीरो पे, यहाँ जहाँ हमारे पास एक्स है। सो ये आ जाएगा 1, इवन पावर है, सो ये हमारे पास प्लस में आ जाएगा माइनस 3 प्लस 7, 7 प्लस 1 8 माइनस 3 5। तो इसकी वैल्यू हमारे पास 5 आ रही है, रिमाइंडर हमारे पास है। अब दूसरा हमारे पास पार्ट एक्स 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 2। सो ये हमारे पास लेट कर लेते हैं शेद्रेन, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। इसे हम 0 से इक्वल ले लेंगे, सो एक्स हमारे पास आ जाएगा ये साइड पे ज़्यादा तो प्लस 2 आ जाएगा। सो अब हम एक्स जीरो पे 2 पुट कर लेते हैं, टू टू ज़र 4, 4 टू ज़र 8 माइनस टू टू ज़र 4 प्लस 10 प्लस 4 प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल, पीछे बच जाएगा हमारे पास 18। सो जो रिमाइंडर है वो हमारे पास आ जाएगा 18। तो ये हमने दूसरा पार्ट भी सॉल्व कर लिया। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, अब हम तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, पार्ट नहीं है। 3x 4 प्लस 4x क्यूब प्लस एक्स माइनस 5x प्लस 1। सो एफ एक्स है हमारे पास यहाँ पे 3x 4 प्लस 4x 3 प्लस एक्स माइनस 5। हम टेप ले लेते हैं अपने पास, एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यूज साइड पे जाता तो एक्स इक्वल टू माइनस 1 आ जाता। अब यहाँ पे पुट कर लेते हैं, इवन पावर है तो हमारे पास प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास ऑड पावर है तो ये माइनस 1 आ जाएगा, माइनस 1 माइनस 5 ये आ जाता 4 माइनस 1 माइनस 3 प्लस 3 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 3। तो यहाँ पे हमारे पास अगर 5 है जी हमारे पास, सो 3 माइनस 5 माइनस 1 माइनस 6 माइनस 4 माइनस 10 बन गए हमारे पास, और 3 माइनस 10 हमारे पास माइनस 7 होता है। तो रिमाइंडर हमारे पास आ जाएगा माइनस 7। अब हम फोर्थ क्वेश्चन ले लेते हैं, वो हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 एंड एक्स माइनस 3। तो यहाँ पे हमारे पास एफ ऑफ एक्स है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3, यहाँ पे हमारे पास एक्स माइनस 3 है, सो टेट एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये माइनस 3 साइड पे ज़्यादा प्लस 3 बन जाएगा। सो हम एच सी का 3 पुट कर लेते हैं, जहाँ जहाँ भी एच सी वैल्यू है वहाँ वहाँ हमने पुट कर लिया है। तो आ जाएगा 3 3 27, 3 3 9 मल्टीप्लाई बाय 2 18, तो ये माइनस 18 ये माइनस है हमारे पास 3 3 9 प्लस 3। सो ये हमारे पास आ जाएगा 27 प्लस 27 माइनस 18 प्लस 9 प्लस 3 हमारे पास आ जाएगा 21। सो जो रिमाइंडर है वो हमारे पास आ जाएगा 21।
ये हमने बस यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट किया और हमारे पास रिमाइंडर आता है 21। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 5। इसमें हमें ज़्यादा यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन इफ द फर्स्ट पॉलीनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड। अब हमारे पास जो फर्स्ट है वो सेकंड का फैक्टर है, तो यहाँ पे हम एफ ऑफ एक्स सेकंड वाली चलो लेट कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। अब एक्स टेंथ एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये साइड पे जाएगा तो हमारे पास प्लस 1 आ जाएगा। सो अब हमारे पास जहाँ जहाँ एक्स की वैल्यू है वहाँ पे हम 1 पुट कर लेते हैं। सो ये आ जाता है हमारे पास 1 प्लस 4 माइनस 5, 5 माइनस 5, सो ये हमारे पास 0 आ जाएगा। यस एक्स माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, ये इसका फैक्टर है। अगर इसमें जैसे हमारे पास कोई भी क्वेश्चन दीवन होते हैं अगर हमें बता दिया जाए तो ये इसका फैक्टर है, तो अगर आंसर हमारे पास 0 आ जाए तो मतलब वो फैक्टर होता है। यहाँ पे हमारे पास 0 आ जाए इसलिए ये हमारे पास इसका फैक्टर है। सब हम नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे पास एक्स माइनस 2 है और एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। सो एफ ऑफ एक्स हमारे पास आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। टेट एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये उस साइड पर जाएगा तो प्लस 2 बन जाएगा। अब जहाँ जहाँ हमारे पास इसमें एक्स है वहाँ वहाँ 2 पुट कर लेते हैं। एट प्लस 4 माइनस 14 प्लस 1, ये हमारे पास आ जाता है 4 माइनस 14 हमारे पास माइनस 10 होता है और माइनस 10 प्लस 9 हमारे पास माइनस 1 होता है विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो एक्स माइनस 2 इज नॉट फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये आप देख लें पूरा हमने कर लिया ये वाला। तो सो नेक्स्ट में हमारे पास हैं ओमेगा प्लस डब्ल्यू टू ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा टू ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 4 ओमेगा प्लस 7। सो एफ ऑफ ओमेगा हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास ओमेगा एक्स नहीं है इसलिए हमने यहाँ पे एफ ऑफ ओमेगा लिखा, टू ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 4 ओमेगा प्लस 7। सो टेट तो ले लेते हैं हम ओमेगा प्लस 2 इक्वल टू 0, इस साइड पे ज़्यादा तो ओमेगा माइनस 2 से बराबर आ जाएगा। सो अब ओमेगा ज़्यादा हम माइनस 2 पुट कर लेते हैं। टू पावर 3 हमारे पास होता है 8 और यहाँ पे हमारे पास और पावर है तो माइनस 8, माइनस 8 इंटू 2 माइनस 16, 2 टू ज़र 4 होता है और हमारे पास इवन पावर है इसलिए हमारे पास ये प्लस में आएगा प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 8 प्लस 7। सो ये आ जाए हमारे पास, अब हम इसे 8 प्लस 4 12 होता है, 12 प्लस 7 19 होता है, 19 माइनस 16 हमारे पास 3 आता है विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो ओमेगा प्लस 2 इज नॉट फैक्टर ऑफ 2 ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 4 ओमेगा प्लस 7। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं और इसमें हमारे पास है एक्स माइनस ए एक्स एन माइनस ए एन व्हेन एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं वापस से, एफ ऑफ एक्स है हमारे पास एक्स एन माइनस ए एन। टेट ये हमारे पास पहली वैल्यू तो हम 0 से इधर ले लेते हैं, एक्स माइनस ए इधर टू 0, यू साइड पे ज़्यादा तो एक्स इधर टू प्लस ए आ जाएगा। सो जहाँ जहाँ पे हमारे पास एक्स है वहाँ पे हम ए पुट कर लेते हैं। ये आपस में प्लस में और ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा, सो एफ ऑफ ए इज इधर टू 0। सो यस
एक्स माइनस ए इज फैक्टर ऑफ एक्स एन माइनस ए है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक्स प्लस ए इंटू एक्स एन प्लस ए एन, वेयर एन इज एन और इंटीजर। सो यहाँ पे हमारे पास एन ऑड इंटीजर है, वापस से इसको लेट कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एन प्लस ए एन, तो यहाँ पे एक्स प्लस ए है, इसे हम जीरो से इक्वल लेट कर लेते हैं। सो यू साइड पे जाएगा तो एक्स इक्वल टू माइनस ए आ जाएगा। अब हम एक्स जगह पे माइनस ए पुट कर लेते हैं। सो ये माइनस में ये प्लस में ये कैंसिल हो जाएगा, पीछे हमारे पास जीरो बच जाएगा। सो यस, मतलब हमारे पास ये फैक्टर है एक्स प्लस ए इज फैक्टर ऑफ एक्स एन प्लस ए एन। उससे बाद है टेन में हमारे पास वन एक्स फोर प्लस टू एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू, द रिमाइंडर इज वन। फाइंड द वैल्यू ऑफ से, सो लेट्स कर लेते हैं सम एफ ऑफ एक्स। अब हमारे पास ये है डिवाइड, मतलब हमने इसे जीरो देते हुए लेट्स किया, एक्स इक्वल टू टू आ जाता है हमारे पास, इसे हम पुट कर लेते हैं। टू टू थ्री पावर फोर प्लस टू इंटू टू थ्री पावर थ्री प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री, ये हमारे पास आ गया। और अब हमारे पास है, तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो हमारे पास वन आएगा, यानी एफ ऑफ टू जो हमारे पास आता है ये हमारे पास वन आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें ना, यहाँ पे इसका जो हमारे पास लास्ट पर ये हमारे पास जीरो है, यानी एफ ऑफ माइनस ए हमारे पास था रिमाइंडर हमारे पास जीरो है, तो यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर वन है। सो इससे ज़्यादा पे हम वन पुट कर लेते हैं। सो ये अब हम इसे सॉल्व करते हैं और ये आ जाएगा हमारे पास टू टू ज़र फोर, फोर टू ज़र एट, एट टू ज़र सिक्सटीन प्लस सिक्सटीन प्लस थ्री प्लस फोर से, ये आ जाएगा थर्टी टू प्लस थ्री थर्टी फाइव प्लस फोर से, प्लस में उधर जाते माइनस में हो जाएगा, यह आ जाएगा माइनस थर्टी फोर इक्वल टू फोर से। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं ताकि हम बताए इसे सॉल्व कर लें। तो हम थे माइनस थर्टी फोर इक्वल टू फोर से पे, अब ये मल्टीप्लाई और इधर जाते डिवाइड हो जाता, टू टू ज़र फोर टू सेवन ज़र थर्टी फोर, तो थर्टी वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस सेवनटीन बाई टू। तो यहाँ पे हमने वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हम इलेवंथ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इलेवंथ है हमारे पास व्हेन द पॉलीनोमियल एक्स थ्री प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फोर इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू, द रिमाइंडर इज फोर्टीन। सो रिमाइंडर हमारे पास फोर्टीन आया, फाइंड द वैल्यू ऑफ थ्री। तो अब हम इसे भी पहले एफ ऑफ एक्स लेट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एच माइनस टू है, तो हम एच माइनस टू से जीरो से इधर लेट करते हैं, एच इधर टू टू आ जाता है हमारे पास। यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं एच जीरो पे टू, ये रिमाइंडर हमारे पास यहाँ पे फोर्टीन है। एफ टू से ज़्यादा हमने फोर्टीन पुट कर लिया, टू से थ्री हमारे पास एट होता है, टू टू से फोर इंटू टू एट होता है हमारे पास, टू से प्लस फोर यह आ जाता है हमारे पास एट एट सिक्सटीन प्लस फोर ट्वेंटी प्लस टू से, ये उस साइड पे जाएगा ट्वेंटी, तो माइनस में आ जाएगा माइनस सिक्स इक्वल टू टू से, ये मल्टीप्लाई हो जाता है डिवाइड हो जाएगा। सॉरी कैमरा मेरा पीछे ही रह गया था, तो यहाँ पे हमने माइनस दिया फोर्टीन माइनस ट्वेंटी, तो हमारे पास माइनस सिक्स आ गया, ये हमारे पास टू थे, ये मल्टीप्लाई हो रहा है टू इधर आते डिवाइड हो जाएगा। सो थ्री वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस थ्री।
तो यहाँ से भी हमने वैल्यू निकाल ली है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। सो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। थैंक यू।